अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं उमर बनीर और आप देख रहे हैं एनएमसी ट्रेनर स्केचअप 2018 लेसन नंबर 8। सबसे पहले हमारा जो आज का लेसन है वो हम ऑटोकैड की फ़ाइल को स्केचअप में कैसे इंपोर्ट करेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे और उस पे वर्किंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो यहाँ से हम अपनी जो यहाँ पे भी फाइल रखी होगी उस वाली लोकेशन पे जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे ऑटोकैड 2006 की एक फ़ाइल रखी हुई है ट्रेनिंग ड्राइंग के नाम से। तो इस तरह से मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारी ऑटोकैड की फ़ाइल इधर आ जाएगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे दो पड़ी हुई थी तो इसको मैंने एक को रखना है और एक को डिलीट कर देना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें ये दोनों सेलेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ से मैं इसको एक्सप्लोड कर दूँगा तो ये अलग-अलग हो जाएंगी। तो राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक्सप्लोड का ऑप्शन है ये ऊपर हमारे पास, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अलग-अलग हो जाएंगी। तो ये एक को मैंने डिलीट कर दिया है तो इसके बाद यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करके ग्रुप बना दूँगा, मेक अ ग्रुप करूँगा तो ये हमारे पास एक ग्रुप की शक्ल में हमारे पास ये ड्राइंग आ गई है। तो ये देखें ये मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये एक्टिव हो गई है। तो यहाँ से मैंने रेक्टेंगुलर की मदद से इसका जो बेस फ्लोर है वो मैंने ड्रा कर लेना है रेक्टेंगुलर की मदद से। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया है तो उसके बाद इसको मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर दूँगा। तो यहाँ से पुश पुल की कमांड लेते हुए मैं यहाँ से मैंने इसको एक फुट पे एक्सट्रूड करके ये हमारा इस जो भी हमारा स्केच है उसकी फ्लोर है। तो इसके बाद ये देखें ये हमारे पास ये एक फुट का फ्लोर बन के आ गया है। तो इसके बाद यहाँ से मैं लाइन टूल की मदद से यहाँ से मैं इसको भी डबल ट्रिपल क्लिक करके मैं एक ग्रुप बना दूँगा। तो इसके बाद यहाँ से मैं इसको लाइन टूल की मदद से ये जो हमारे पास लाइंस लगी हुई हैं इनको मैंने दोबारा से स्केचअप पे ड्रा करके एक्सट्रूड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ से मैंने यहाँ लाइन टूल की मदद से ये सारी ये आउटर वॉल्स की जो लाइंस हैं वो मैंने लगा दी है। तो इसके बाद यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर टूल लूँगा तो रेक्टेंगुलर टूल की मदद से यहाँ पे मैंने जो हमारे पास ये किचन है इसको ड्रा कर लूँगा क्विकली इस तरह से। और यहाँ से इसको भी मैं यहाँ से रेक्टेंगल लगा के यहीं पे ये मैंने ड्रा कर लिया है। तो इसके बाद ये यहाँ पे मैं लाइन कमांड की मदद से ये इन लाइंस को ड्रा करूँगा। ये देखें ये हमारे पास ये कॉर्नर, उसके बाद ये कॉर्नर, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये अपना मैप कंप्लीट कर लिया है। तो बार बार वहाँ पे अपने मैप को देखना नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये हमारा ये एक्सट्रूड हो गया है। तो आज का ये हमारा छोटा सा लेसन था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मज़ीद मॉडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।